और अब बात कर लेते हैं पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती की पहली पाली की परीक्षा अब खत्म हो चुकी है और अब दूसरी पाली की परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का पहुंचना भी शुरू हो गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। परीक्षा देकर बाहर निकले कई अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर आसान था। वहीं कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने कहा कि जो मैथ्स का पेपर था वो कठिन था। आपको बता दें कि 60,244 पदों पर भर्ती के लिए 67 जिलों में 1,164 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर पहली पाली की परीक्षा अब संपन्न हो गई है और 3 बजे से 5 बजे दूसरी पाली की परीक्षा होनी है। और गोरखपुर में परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों से बातचीत के हमारे संवाददाता रामगोपाल द्विवेदी ने। भर्ती परीक्षा की पहली पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद जो अभ्यर्थी हैं वो अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी यहां से रवाना हो रहे हैं। इस वक्त मैं सेंट्रल ड्यूट डिग्री कॉलेज में खड़ा हूं और गोरखपुर में जो अभ्यर्थी हैं वो जो है चंदौली, वाराणसी, भदोही, बलिया, इन जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं और इन जिलों के अभ्यर्थियों के जाने के इंतजाम भी रोडवेज प्रशासन के द्वारा किया गया है, अन्य प्रशासन के द्वारा किया गया। भाई पेपर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा गया। कोई विषय कठिन लगा? कठिन था लेकिन अच्छा था। कौन सा कठिन था? मैथमेटिक्स कठिन था, थोड़ा लेकिन अच्छा कठिन था। अरे कैसा रहा पेपर? पेपर बढ़िया था। कुछ एक मिनट जाना है, पेपर कैसा रहा? प्रिया पांडे, बढ़िया हुआ। क्या लग रहा आज? अच्छा ही नहीं। कुछ कठिन रहा? कुछ नहीं, कठिन नहीं था। कठिन नहीं था, कैसा रहा पेपर? हो ठीक रहा। कुछ कठिन था? नहीं कठिन नहीं था, मस्त एकदम वीआईपी रहा। कठिन नहीं लगा? बिल्कुल आसान। मैथ कैसा रहा? बहुत मस्त रहा। मैथ ठीक रहा?